हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द रेस्पायरेटरी ट्रैक इनफेक्शन रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आर टी आई आर टी आई दैट मीन्स रेस्पायरेटरी ट्रैक इनफेक्शन की जो हमारा ये रेस्पाइरिटरी ट्रैक है कि जिससे हम अच्छे से सांस लेते हैं हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है तो जो हमारा रेस्पायरे ट्रैक है उसके रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं तो किस तरह से उसको हम क्योर करते हैं तो उसका किस तरह से इलाज किया जाता है कौन से मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं उसके कोजेज क्या है मतलब कि कारण उसके जो रीजन्स और उसके जो लक्षण हम कहे कि जो सिम्टम्स और कौन से मेडिसिन से हम उसका ट्रीटमेंट करें कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं तो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फॉम एम फॉम इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी परसिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स परसिंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑन ए फार्मर ऑक्स अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड करिए आईफोन है तो एप स्टोर पर से और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन द एफ फार्मर ऑक्स तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आर तो व्हाट इज आर सबसे पहले तो ये वर्ड समझना जरूरी है कि जो हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन की व्हाट इज आर तो इट इज डिफाइन एज एनी इन्फेक्शन एनी इन्फेक्शन और एनी इन्फेसियस डिस ऑफ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इस पर इसके रिलेटेड कोई भी जब हमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो मैनी डिफरेंट वायरसेस इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑल्सो ड्यू टू द एलर्जी और बैक्टेरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट और इन्फेक्ट अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो जब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये पूरा कि जहाँ से हम सांस लेते हैं कि जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और फिर ये पूरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कि जहाँ पे लंग्स ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई वगैरह एसोसिएटेड है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एलर्जी के कारण जब आपको एलर्जी है किसी टाइप की तो उसके कारण भी कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होता है और उसका आगे जो कि होता है इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी रीजन बनते हैं एज वेल एज द वायरस तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट इज यू आर टी आई एस यू मीन्स अपर आर मीन्स रेस्पिरेटरी टी मीन्स ट्रैक आई मीन इन्फेक्शन एंड एस फॉर तो अपर रेस्परेट रैग इन्फेक्शंस की जहां पर आप ये वाली साइड देखिए कि नॉर्मल साइड कि जहां पर नॉर्मल टॉन्सिल आप देख सकते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन में वहां पर टॉन्सिल के अंदर स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है स्वलन की जो इन्फ्लामेशन होता है और वाइटिस स्पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर यूजली जो होता है क्या होता है तो जो वायरस है बैक्टीरिया है या फिर कोई एलर्जी के कारण जब आपका रेस्परे ट्रैक इन्फेक्ट होता है तो उसके कारण जो रेस्परे ट्रैक के रिलेटेड जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है वह सब वहाँ पे इन्फेक्ट होते हैं अलग अलग तौर कि यहाँ पे समझो कि टॉन्सिल है तो टॉन्सिल का टॉन्सिलाइटिस थ्रॉट भी उस पर अफेक्ट होता है तो सबसे पहले हम देखें अपर रेस्परेट ट्रैक के अंदर तो कॉमन कोल्ड ये मेन सिम्टम डेवलप होता है एज वेल एज़ ये एक कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर लेरिंगइाइटिस के जहाँ पे लेरिंग्स इन्फेक्ट होता है फेरिंगाइटिस एंड Tonsillitis की जहाँ पे tonsil and pharynx का पेल होता है acute rhinitis हो सकती है आपको एंड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की जो हमारे ईयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है कि जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का होता है इंफेक्शन तो ये बात की हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की आगे सीखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की जिसको हम कहते हैं एल तो उसके अंदर क्या होता है तो एक तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है क्योंकि ब्रोंकाइस जो है हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है फिर ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है आपको थर्ड इज न्यूमोनिया एंड ट्रैकिआइटिस तो यूजअली ऐसे इन्फेक्सन की जो हमारे रेस्परेट ट्रैक के अलग अलग पार्ट्स जिसको इन्फेक्ट करती है एज वेल एज़ जो हमारे लंग्स हैं और लंग्स के जो अलग अलग पोर्सन्स हम देखें उसके अलग अलग पार्ट्स हम देखें तो वहाँ पे भी इन्फेक्सन होता है कि लाइक न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया के अंदर इन्फ्लैमेशन होता है और ब्लॉकेज ऑफ द ब्रोंकियोल की जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसका ब्लॉकेज होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये वाला साइड है हेल्दी एल्वियोली का और नॉर्मल ब्रोंकियोल तो नॉर्मल के जो कंपेयर में आप यहां पे देखेंगे तो हो रहा है ये इन्फेक्शन तो यूजुअली जो अलग अलग पार्ट्स हैं आप लंग्स के आप देखें तो वो इन्फेक्ट होते हैं तो न्यूमोनिया के अंदर एलवि एज वेल एज जो ब्रोंकियल है उनका होता है इन्फ्लेमेशन और आगे जाके वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमलेट होता है कॉफिंग इंक्रीज होती है तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि जब आपको होता है ट्रैक का इन्फेक्शन तो यहाँ पे देखिए कौन से अलग अलग आर होते हैं डिटेल में समझिए विथ लोकेशन तो ईयर इन्फेक्शन हो सकता है कि ये जो आपका मैं जहाँ जहाँ येलो कर रहा हो वहाँ पे आप ध्यान रखिए अच्छे से तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा अच्छे से ये पॉइंट आपका आपको अच्छे से याद रह जाएंगे तो येलो पोर्सन हमने सबसे पहले किया ईयर तो ईयर रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है रेस्परेटरी रैक के इन्फेक्शन के कारण फिर जो हमारा रेस्परेट जब स्टार्ट होता है तो वहां पे जो टॉन्सिल्स होते हैं तो वहां पे जब इन्फ्लेमेशन होता है वो इन्फेक्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस फिर यहाँ पे देखिए लैरिंग्स का जो पोर्सन है तो वहां पे लैरिंगाइटिस देन जो हमारे साइनस का जो पोर्सन है वहां पे साइनसाइटिस हो सकता है ये वाला पोर्सन कि जो येलो किया फिर थ्रॉट का जो पोर्सन ये और जब थ्रॉट इन्फेक्शन होता है कि जिसको फेरिंगाइटिस हम कहते हैं तो फेरिंगाइटिस उसके साथ में टॉन्सिलाइटिस और लेरिंगाइटिस को भी साथ में लेकर ही आता है या फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन में क्योंकि एक दूसरे के इतने नज़दीक है तीनों पार्ट कि समझो कि एक पार्ट को इन्फेक्शन होता है तो समझो कि टॉन्सिल आपके इन्फेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन थ्रॉट की जो फेरिंग्स के पास भी पहुँचता है ऑल्सो द लेरिंग्स तो फेरिंगाइटिस हो सकता है फिर और लेरिंगाइटिस। अब ये इंफेक्शन समझे की और नीचे की ओर पहुंचता है तो फिर अफेक्ट होते हैं आपके आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के जो होता है ब्रोंकाइटिस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस कि जब ब्रोंकियोल्स अफेक्ट होती है तो ब्रोंकियोलाइटिस एंड ब्रोंकाई इन्फेक्ट होती है तो ब्रोंकाइटिस फिर ये और आगे सीवियर बने तो लंग्स के अंदर जब फ्लूड जमा होता है एक्सेस अमाउंट में कॉफिंग वहाँ पे होती है तो वो कंडीशन होती है न्यूमोनिया की तो यहाँ पे आप देखिए एल्वियोली विथ फ्लूड जबकि यहाँ पे हेल्थी एल्वियोली के अंदर फ्लूड प्रेजेंट नहीं होता तो ये सिम्टम बन जाता है न्यूमोनिया का प्लस साथ में इंफ्लेमेशन भी होता है एंड ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होते जाते हैं तो इस तरह से रेस्परेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे फैलता है कि शुरुआत तो समझे कि सिर्फ आपको नॉर्मल कॉफिंग से होता है या फिर नॉर्मल जो हम कॉमन कोल्ड कहते हैं वाह या फिर साइनासाइटिस से होता है बट अगर हम जल्दी से उसके ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो इन्फेक्शन आगे भी फैल सकता है और उसके कारण रेस्परेटरी ट्रैक के जो अलग अलग पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं तो ये है रेस्परी ट्रैक इन्फेक्शन के एग्जैक्ट लोकेशन ये आपने सीख लिया आगे जानते हैं उसके कोजेस तो कॉजे अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फिर भी समझ लेते हैं कि एक तो वायरस बहुत सारे ऐसे वायरस हैं कि जो आपके रेस्परि ट्रैक को अफेक्ट करते हैं इन्फेक्ट करते हैं कि जैसे हम सीखते कि वायरल इन्फेक्शन होता है फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो, तो दैट ऑल आर ड्यू टू द वायरस और वायरल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के अंदर यूजली आपका रेस्परेट रेग का इन्फेक्शन होता ही है तो ये जो नोज है वहां से जब समझे कि एटमोस्फियर के अंदर कोई वायरस प्रेजेंट है कि जो उसका कोज है रेस्पिरेटरी रेग इन्फेक्शन का तो जब ये वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया समझिए कि ये बैक्टीरिया है आपको कोई सी चीज़ की एलर्जी है कि लाइक डस्ट की एलर्जी और एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी डस्ट पार्टिकल्स हैं डस्ट के माइट है या फिर आपके सामने ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो जब आप इस टाइप के जो कोजिस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो नोज के थ्रू ये वायरस बैक्टीरिया एलर्जेंस या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स हम कहें कि जिसके अंदर चाहे वायरस प्रेजेंट हो या फिर बैक्टीरिया वो आपके नोज के थ्रू आर के अंदर सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होते हैं एंड वो आगे जाके कर सकते हैं आर कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो इम्यून सेल से फाइट बैक करके उसकी सीवियरिटी डिक्रीज कर देंगे बट इम्यूनिटी आपकी वीक है तो जल्दी से जल्दी आप काफ़ी आगे इन्फेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर तो रेस्परेट ट्रैक के अंदर एल वी के जो उसके ये जो आपको बलून्स जैसा दिख रहा है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं रेस्परेट ट्रैक के फिर वहां पे ब्रोंकियोल्स ये वाली आप देख सकते हैं एंड ये हमारे मेन ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स ये हमारे लंग्स फेरिंग्स तो ये सब आपको पता होना चाहिए एनाटोमी खास अच्छे से सिम्टम देखिए तो कॉफ यू मे ब्रिंग ऑफ म्यूकस की जो हम कहते हैं फ्लैम स्नीजिंग होती है चिल्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी साथ में होती है हेडेक होता है आपको कॉफ होता है एयरबोन इंफेक्शन होता है सॉर थ्रोट जैसा होता है कोल्ड बैकएक स्नॉट रनी नोज हो सकता है फटी और प्रिवेंशन के लिए आप सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं तो कॉफ के बाद स्नीजिंग उसका मेन सिम्टम है स्टफी और रनी नोज आपका सॉर्थ्रोट हैड एक हेड एक भी हो सकता है एज वेल एज एक भी हो सकता है कि आपकी बैक पेन भी हो सकता है ब्रेथलेसनेस कई बार टाइट चेस्ट और विजिंग मसल एचिस हेड एक सोर थ्रॉट और हाई टेम्परेचर फीवर हो सकता है आपको तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो है रेस्पिरेटर इंफेक्शन के तो हाउ कैन वी प्रिवेंट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दैट्स वाइज यूज द फेस मास्क दैट इज योर फर्स्ट प्रिवेंशन स्टेप प्रिवेंट the respiratory tract infection, because कि हमने प्राइमरी देखा कि जो हमारा nose है nose के through ही ये वायरस हो या फिर वो बैक्टेरिया हो या फिर जो एलर्जन से एलर्जेंसी कि आपको डस्ट की एलर्जी है पोल्स की एलर्जी है तो वो ही हमारी नोज के थ्रू ही आपके रेस्परेट रैक में एंटर करेंगे जो आपने अच्छा कोई सर्जिकल मास्क यूज, कि यूज किया होगा प्रॉपर कोई फेस मास्क यूज़ किया होगा तो जिससे आप सबसे पहले तो ये वायरस बैक्टीरिया फिर जो एलर्जेंस या फिर कोई कोजिटिव ऑर्गेनिजम है उससे डायरेक्टली बच सकेंगे और प्रिवेंसन होगा फिर दूसरी चीज़ वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली एंड थ्रू आउटली एंड पर्टिकुलरली आफ्टर टचिंग योर नोज और माउथ एंड बिफोर हैंडलिंग द फूड कि जब आपके आ, नोज या माउथ का आपको टच करने हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको आपके हैंड वॉश अच्छे से करने चाहिए एंड ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द फूड फिर स्नीजिंग एंड कफिंग इन टू टी क्या आप टिश्यू यूज़ करें कि जब आपको स्नीजिंग हो रही है या फिर कफिंग हो रहा है तो जरूर से आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप जो है वो टिश्यू वगैरह या फिर रूमाल यूज करते हैं टावल यूज करते हैं या फिर आप इस तरह से मास्क यूज करते हैं दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट द वायरस और बैक्टीरिया कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम योर नोज एंड माउथ एंटरिंग द एयर वेयर दे कैन इन्फेक्ट द अदर्स तो ये है आपका प्रिवेंशन स्टेप नेक्स्ट इज हाउ द ट्रांसमिशन इज अकर्स ऑफ रेस्पिरेटरी अ कर तो समझो कि यहां पे मैं आई लिखता हूं दैट इज इन्फेक्टेड पर्सन एंड हियर दैट इज अ नॉर्मल तो देखिए दोनों में से किसी के पास प्रिकॉशंस नहीं है ये जो स्नीजिंग कर रहा है और कफिंग ना ही उसने कोई रुमाल यूज़ किया है ना फिर टॉवल ना ही उन्होंने यूज़ किया है कोई मास्क सेम लाइक दैट सामने जो नॉर्मल पर्सन है उसने भी ऐसा कोई प्रिवेंशन यूज़ नहीं किया तो डायरेक्टली ये वायरस या फिर बैक्टीरिया फिर एलर्जेंस डायरेक्टली ये वाले पर्सन के नजल रूट के थ्रू एयर के थ्रू उसके लंग्स के अंदर एंटर हो सकते हैं सेम ये नीचे वाले में देखे कि ये वाले पर्सन ने मास्क पहना है तो मास्क के कारण ये जो है वो प्रिवेंट होगा तो ये पर्सन ने स्नीजिंग किया विदाउट एनी प्रिकॉशंस कि ना ही कोई रूमाल यूज किया है ना ही मास्क बट सामने वाले पर्सन ने यूज किया है प्रॉपर मास तो उसके कारण इसका जो डिसीज़ का ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा जबकि यहाँ पे डेंजरस कंडीशन है बिकॉज ना ही किसी ने प्रिवेंशन किया है ना ही कोई प्रिकॉशंस यूज किए हैं सो अपर ट्रैक इन्फेक्शन इज कॉन्टेजियस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय

उनके कारण जो वायरस या बैक्टीरिया आपके हाथ में लग जाते हैं और वो हाथ डायरेक्टली जब आप माउथ के पास या फिर नोज के पास लगाते हैं तो वो वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर वो एलर्जन डायरेक्टली आपके रेस्परेटर एक्ट में एंटर होगा और आगे जाके उसका इन्फेक्शन होता है इस तरह से ये ट्रांसमिट होते हैं तो उसका प्रिवेंशन की जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया मास्क एज वेल एज स्नीजिंग इन ए रुमाल और टावेल तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर दिस ट्रैक इन्फेक्शन तो सबसे पहले ओरल और टॉपिकल डी कि जब आपका नजल समझे कि ब्लॉक हो जाता है सिम्टम के बेसिस पे तो आप ओरल या टॉपिकल डी यूज़ कर सकते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दैट इज़ द वेरी पॉपुलर यूज टू ट्रीट रेस्परेट्रैक इन्फेक्शन्स एंटीहिस्टेमाइंस के बहुत सारे मेडिकेशन है कि जो हम यूज़ करते हैं एज वेल एज टॉपिकल एंड सिस्टेमिक स्टेरॉयडल कंटेनिंग ड्रग्स सलाइन नजल ड्रॉप्स या फिर उसके रिलेटेड नजल स्प्रे की जो कोल्ड एंड साइनस के लिए हम यूज़ करते हैं फिर गुएफेन्सिन है एज वेल एज टॉपिकल फिनॉल और लिडोकेन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रोमोलिन ऑल्सो द पेन रिलीवर्स टू रिड्यूज़ द पेन सेंसेसन ड्यूरिंग द रेस्पेड रैक इन्फेक्शन तो एलर्जी के मेडिकेशंस भी हम ट्राई कर सकते हैं एज वेल एज एंटी हिस्टेमाइंस की जब आर होने का जो रीजन है कि हम कहे कि आर का समझो कि कोज है रीजन है एलर्जी तो उस वक्त एलर्जी के मेडिकेशंस यूज करें एज वेल एज एंटी हिस्टेमाइन भी उसके अंदर काफी पॉपुलर है देन नजल ब्लॉकेज है वो सिम्टम है तो नजल डिकन्जेस्टेंट से हम आर को ट्रीट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के थेरेपी या फिर कॉम्बिनेशन ड्रग भी यूज कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो वन ऑप्शन फॉर अस कि जो स्टेरॉइडल मेडिकेशन से ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स एक्सपेक्टोरेंट कि जब आपके लंग्स के अंदर समझो कि काफ़ी कफ एक्यूमुलेट हो गया है तो वो कफ को रिलीज करवाने के लिए ब्रोंकियोल्स को रिलैक्स करने के लिए एक्सपेक्टोर एज वेल एज नजल स्प्रे ब्रोंकोडाइलेटर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो एलर्जी के अंदर के समझे कि सिम्टम है आपके कंजेशन एंड नोज जैसे सिम्टम है तो उस वक्त एलर्जी के मेडिकेशन के लाइक एंटी से है डीकन्जेस्टेंट कॉम्बिनेशन ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं एंटी हिस्टेमाइंस के अंदर ब्रोमफिनाइराम है सेट्रीजिन है क्लोरफिनाई क्लेमास्टिन डाइफिन हाइड्रामाइन फैक्जोफिनाडिन एंड लोराटाडिन तो ये सभी एंटी हिस्टेमाइन की जो पॉपुलर हम कह सकते हैं वेरी पॉपुलर मेडिकेशंस की जो यूज होती है स्पेशली टू तो ट्रीट द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की जब सिम्टम्स ऐसे हो कि जिसके कारण कॉफिंग है कोल्ड जैसा है स्नीजिंग जैसा हो रहा है आपको और ये इन्फेक्शन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए प्लस एलर्जी के कारण ऐसा हुआ है तो वो कंडीशन के अंदर ये मेडिकेशंस आपके लिए काफ़ी होती है इफ़ेक्टिव जब आपका नजल ब्लॉक हो जाता है तो नजल का जो कंजेशन होता है उसको रिलीव करवाने के लिए नजल डी हम यूज़ करते हैं जैसे कि सीडो एफेड्राइन है फिनाइलेफ्रीन है एंड ऑक्जीमेटाजोलिन जैसे मेडिकेशन के लिए आप यहां पर देख सकते हैं नजल डी कंजेस्टन तो ड्रोसी कंजेस के लिए जो होते हैं जिसके अंदर फिनाइल एचसीएल एच की जो टैबलेट्स होती है या फिर सीडो एफेड्राइन फिनाइल है वो सब काफी पॉपुलर है नजल डी के अंदर कॉम्बिनेशन में भी समझो कि लिवोसेट्रीजिन के साथ फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एम्ब्रोक्ल हाइड्रोक्सलोराइडाइड पैरासिटामॉल ये सब कॉम्बिनेशन की जब समझो कि पेशेंट को फीवर भी हो रहा है कफिंग भी है कोल्ड भी है और टॉन्सिलाइटिस जैसा भी है फेरिंगाइटिस जैसा भी है किस पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक उसका इन्फेक्ट हुआ है तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन ड्रग लाइक सेट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है फिनाइल एफ्रीन पैरासिटामॉल तो ये सब मेडिकेशंस के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ रेस्पेरेट रैग इन्फेक्शन कॉर्टिकोस्टेराइड में डेग्जा मिथासोन वेरी वेरी पॉपुलर की जो हम कहते हैं यूजली डेग्जा लिखते हैं तो डेग्जा मिथासोन रेस्पेट रैग के अंदर काफी पावरफुल मेडिकेशन है टैबलेट्स एज वेल एज उसके ओरल सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं बीटामिथासोन दूसरा ऑप्शन है प्रेडनीसोलॉन एंड प्रेडनीसोलॉन बट फर्स्ट चॉइस रहती है डेग्जामिथासन डेग्जामिथसोन से तो क्योर हो ही जाता है ना हो तो ही हम नीचे की ओर जाते हैं बट फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वॉज द डेग्जामिथासोन नेक्स्ट इज ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर की जिसके अंदर मॉन्टे ल्यूकास्ट है जारफी ल्यूकास्ट है जेल्यूटन है तो ये तीन काफी पावरफुल और पॉपुलर है तो जो रेस्पिरेटरी रैक के जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर देखें तो जो कॉफ जब आपका होता है लंग्स के अंदर तो उसको एक्सपेल आउट करवाने के लिए एंटी भी कह कर सकते कि रिलीव कॉफ ड्यूरिंग द कोल्ड डेस्ट्रोमिथोरफान भी उसके अंदर है पॉपुलर एम्ब्रोक्सोल है गुएफ है तो ये सभी आर को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं टर्बिलटालिन भी एक पॉपुलर है कि जब आपको कोई भी टाइप का रेस्पिरेटरी रैग इंफेक्शन होता है देन नजल स्प्रे एंड ड्रॉप्स के लाइक एजेलास्टिन जिसके अंदर होता है एजेलास्टीन एंड फ्लूटिकासोन प्रोपियोनाइट का कॉम्बिनेशन भी रहता है उसके अंदर एंड बैक्लोमिथासोन जैसे ड्रग्स ये नजल स्प्रे के अंदर होते कि जो नजल कंजेशन हो साइनस प्रेशर हो हेड एक हो स्नीजिंग रनिनोस वगैरह जो सिम्टम्स को क्योर करती है और ये याद रखिए एज आज़े, ए एज ए लास्टिंग एज वेल एज सोन प्रोपियोनेट ये सब उसके अंदर मेन मेडिकेशंस रहते हैं नजल स्प्रे एज वेल एज उसके ड्रॉप्स के अंदर अगर सिम्टम्स ऐसे है कि जब पेन रिलीवर्स की जरूरत है आपको कि पेशेंट को पेन हो रहा है लाइक मसल्स पेन हो रहे हैं हेड एक हो रहा है थ्रॉट इन्फेक्शन है जिसके कारण थ्रॉट पेन भी हो रहा है ईयर में भी पेन हो रहा है तो इरेचिस हम कहे सॉर थ्रोट हेड एक हम कहे मसल एक्स कहे एचिस कहे तो वो सभी के अंदर कि मसल्स पेन ईयर पेन हेड के अंदर पेन थ्रॉट के अंदर पेन एज वेल एज वो इन्फेक्शन तो सभी के अंदर हम पेन रिलीवर्स को यूज़ कर सकते जैसे कि एसिटामिनोफेन की जो पैरासीटामोल है आईब्यू है एंड नेप्रोक्सिन यूजली हम फर्स्ट चॉइस में एसिटामिनोफेन की जो पैरासिटामोल के टैबलेट्स होते हैं वो और उसके साथ कॉम्बिनेशन में जो आर की जो पॉपुलर मेडिकेशन से उनका कॉम्बिनेशन बना के भी यूज़ कर सकते हैं आपको हर्बल का सहारा लेना है तो वसा का रेस्परेट ट्रैक इन्फेक्शन में बेस्ट है कि जो कॉफ स्नीजिंग वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इतना सारा इन्फेक्शन है कि एलोपैथिक मेडिकेशन से क्योर नहीं हो रहा तो आप ये एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वसा का कि का का उसके जो पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लीफ उसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल उसका समझ के आप काढ़ा बना सकते हैं लाइक like टी जैसा कि, कि जैसे आप लेमन टी लेते हैं वैसे वसाका टी भी आप यूज कर सकते कैसे जैसे टी बनाते हैं हम सेम लाइक दैट वसाका के लिप्स लेकर आप ऐसा एक्सट्रैक्ट तैयार करें कि जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है वसाका के सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं कि आधा तोड़ा वसीका कि जिसके अलग अलग नाम हम देखे तो मालाबार नट है अडुलसा है आधा तोड़ा है वासा है वसाका अरुलसी अडूसा दिज ऑल आर द मेडिकेशन प्लांट नेटिव एशिया वाइडली यूज इन सिद्धा मेडिसिन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फिर दूसरे मेडिकेशंस देखिए कि जब यहाँ पे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं तो ये लंग्स को अच्छे से क्योर करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट एज वेल एज डिम्यूलट म्यूकोलाइटिक्स की जब म्यूकस जमा हो जाता है रेस्परेट में तो उसको रिलीव करने के लिए कॉफ जमा हो जाता है तो एंटीटिव एंड जब ब्रोंको या फिर ब्रोंकिल्स या फिर ब्रोंकाई वगैरह डायलेट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनका तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंको हम यूज करते हैं कि लाइक एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर तो सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड है गुएफेंसिन है बालसम वसा का एमोनियम क्लोराइड ये सब हमारे ब्रॉन्कियाई के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं उसको एनहांस करने वाले मेडिकेशन से जो एक्सपेक्टोरेंट एन म्यूकोकाइनेटिक्स कही का जाती है या फिर उसके सीरप सेज सिरप ज़्यादा पॉपुलर है टैबलेट डोजिस फॉर्म के कंपेयर में एक्सपेक्टोरेंट में दूसरे ऑप्शन से ब्रम हेगिन है एम्ब्रोक्सोल है कार्बोसिस्टिन है तो इसके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएक्स ओनली मेडिकेशंस म्यूकोलाइटिक्स की ये काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशंस की जो हम यूज करते हैं तो टू ट्रीट आर टीआई एसिटाइल सिस्टिन भी उसके अंदर है फिर एंटी टसिवस की जो कॉफ सेंटर्स को सप्रेस कर देते हैं लाइक कोडिन है फॉलकोडिन है इथाइल मॉर्फिन और कोडिन फॉस्पेट के जो कॉफ सिरप है वो भी काफ़ी पॉपुलर की जो कॉफ को सप्रेस कर देती है एंटीटर्सिव्स और जिससे आर धीरे धीरे ठीक होता है फिर कॉफ सेंटर को सप्रेस करने वाले नॉन ओपीएड में देखे तो नॉस्केपिन है डैक्स्ट्रोमिथोरफान क्लोफेन डायल वगैरह काफ़ी पॉपुलर है फिर एंटीहिस्टेमाइंस की जो अभी हमने ऑलरेडी देखे क्लोरफिनारेमाइन डाइफिन प्रोमेथाजिन कि जिसके टैबलेट एज वेल एज कप सिरप में भी उसके कॉम्बिनेशन हमें मिल जाते हैं फिर एडजी एंटीट में ब्रोंकोडाइलेटर्स की जैसे कि सालब्यूटामोल है टर्ब्यूटालिन तो सालब्यूटाम सालब्यूटामोल के साथ कि जो ब्रोंकोडाइलेटर या फिर मोकोलाइटिक्स के काम करते हैं फिर दूसरे ऑप्शन से ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर साल बिटा मतलब टर्बिटाल के अलावा भी जब हमें घर पे ही उसको क्रिएट करना है तो होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं कि अभी जैसे वसा का तो मैंने तो बताया फिर उसके अलावा आप जिंजर टी वसा का कंटेनिंग टी भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर जिंजर टी के अंदर मिक्स कर दीजिए आप वसा का और चाय नहीं चाय बनाने के बजाय सिर्फ जिंजर और वसाका का जो एक्सट्रैक्ट मिलता है वो लीजिए ऑल्सो द ब्रांडी हॉट पेपर्स फ्लैक्सिड्स हनी है मिल्क एंड टर्मेरिक कि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको ठीक करने के लिए टर्मेरिक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा गार्लिक लेमन सिन्नामन एंड हनी और उसके कॉम्बिनेशन वाली आप लेमन टी भी आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स आपके पास ऑप्शन तो ये सब हम यूज करते तो ट्रीट आर टी आईस तो ये हमारा स्पेशल लेक्चर था आर टी आई इसके ऊपर थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल मेक द वॉल्यूबल कॉमेंट्स एंड सजेशन इन ए कॉमेंट बॉक्स ज्वाइन इन ए व्हाट्सएप बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज सो दिस इज द व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जरूर से आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप नंबर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं फार्मा रॉक्स का एप्प जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एंड एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर ऑन फार्मा रॉक्स गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट